आने वाले महीने में बदलेंगे कई महत्वपूर्ण नियम, लगभग 15 दिनों तक रहेंगे बैंक बंद, गैस के दामों में भी हो सकता है बड़ा बदलाव। हमारे साथ समझिए खबर का पूरा आव भाव, आने वाले समय में क्या क्या बदलेंगे नियम, इस बदलते नियम का हमारे जीवन पर क्या पड़ेगा प्रभाव, समझिए हमारे साथ खबर का पूरा भाव। आने वाले दिसंबर में कई ऐसे नियम बदलने वाले हैं जिनका प्रभाव सीधे तौर पर आम लोगों पर पड़ने वाला है। बताया जा रहा है कि दिसंबर महीने में सिलेंडर के दाम में बदलाव होगा, क्रेडिट कार्ड से संबंधित नियमों में भी कुछ सुधार किया जाएगा, तो वहीं आने वाले समय में लगभग 17 दिनों तक बैंक बंद रहेंगे। इसके अलावा अन्य और भी कई नियम दिसंबर महीने में बदलने वाले हैं। इसको लेकर जानकारी के अनुसार इसी दिसंबर माह में कई नियम बदल जाएंगे। इन्हीं नियमों में एक नियम गैस सिलेंडर को लेकर भी होगा। जैसा कि समय समय पर कमर्शियल गैस सिलेंडर से लेकर रसोई गैस के दामों में बदलाव होता रहता है, ऐसे में अब उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में यानी नवंबर महीने में सिलेंडर के दामों में बदलाव हो सकता है। जैसा कि बीते महीने यानी अक्टूबर महीने में गैस कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में 48 रुपए की बढ़ोतरी की थी, वहीं अक्टूबर माह में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया। इसी के साथ आने वाले दिसंबर महीने में भी क्रेडिट कार्ड को लेकर बड़े बदलाव होने वाले हैं। तो वहीं अगर आप डिजिटल गेमिंग प्लेटफॉर्म मर्चेंट से जुड़े ट्रांजेक्शन के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। तो वहीं अभी बीते दिनों देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने क्रेडिट कार्ड यूजर्स को फिर बड़ा झटका दिया है। SBI कार्ड की वेबसाइट के मुताबिक 1 दिसंबर 2024 से उसकी क्रेडिट कार्ड्स डिजिटल गेमिंग प्लेटफॉर्म मर्चेंट से संबंधित ट्रांजैक्शन पर रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं देने वाला है। जानकारी के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक ने दिसंबर के लिए बैंक हॉलीडे लिस्ट जारी कर दी है। इसको लेकर जानकारी कहती है कि दिसंबर में कुल 17 दिन बैंकों में छुट्टी रहेगी, ऐसे में बेहतर होगा कि आप दिसंबर के लिए छोड़े गए कामों के लिए ब्रांच जाने से पहले बैंकों की छुट्टियों की लिस्ट जरूर देख लें। इतना ही नहीं, देश के दूर संचार नियामक ट्राई ने स्कैम और फिशिंग पर रोक लगाने के लिए OTP सहित कमर्शियल मैसेज हेतु नए ट्रेसेबिलिटी नियम की समय सीमा 1 दिसंबर 2024 तक बढ़ाकर ग्राहकों को लाभ देने का प्रयास किया है। इससे पहले यह नियम 1 नवंबर 2024 से लागू होने वाला था। खैर, ये सब कोई पहली बार नहीं हो रहा है, अक्सर महीने के बदलने के साथ नियम भी बदलते रहते हैं जिसका प्रभाव सीधे तौर पर आम जनता पर पड़ता है। आप हमारे इस खबर को लेकर क्या कहना चाहते हैं, आप अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में लिखकर साझा कर सकते हैं। तो वहीं आने वाले महीने में कई अन्य महत्वपूर्ण बदलाव के साथ में लोगों की भलाई के लिए सरकार भी कई महत्वपूर्ण फैसले ले सकती है जिसका प्रभाव भी जनता पर पड़ने वाला है। तो वहीं आने वाले समय में विज्ञान भी नए नए चमत्कार करके लोगों को सहूलियत देने का प्रयास करने वाला है। इन्हीं समस्याओं के समाधान में एक प्रयास नेटवर्क की समस्या का भी अंत करने को लेकर है। कहा जा रहा है कि आने वाले समय में लोगों को नेटवर्क की कोई दिक्कत नहीं होगी, जंगली इलाकों में भी वो अपने लोगों से बात कर सकेंगे। समय के साथ सरकार के द्वारा बदले जा रहे नियम और विज्ञान के द्वारा किए जा रहे नए नए आविष्कार लोगों और देश की भलाई के लिए आवश्यक बताए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, PDN न्यूज़।